तो क्लास अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे ह्यूमन्स के रेस्परेटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमस का जो रेस्परेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है यानी इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नेजल कैविटी फारिंग्स लारिंग्स ट्रैक लंग्स लंग्स के अंदर होते हैं ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के एंड पे होते हैं एल्वियोलाई और लास्ट में है हमारा डाइफ्राम ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को नाउ लंग्स तक एयर पहुंचने के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड ट्यूब सिस्टम होता है जो स्टार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से उसके बाद आता है हमारा नेजल चेम्बर उसके बाद आता है हमारा नेजोफेरिंग्स, नेक्स्ट आता है हमारा एपिग्लॉटिस देन आता है हमारे लारिंग्स ट्राकि ब्रोंकाई एंड एंड ब्रोंकियोल्स के पे प्रेजेंट होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं एलव्यूलाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक है कंडक्टिंग जोन यानी ये एयर का पाथवे है जो शुरू होता है नोस से फिर जाती है एयर हमारी फैरिंग्स में उसके बाद लारिंग्स में उसके बाद ट्रैकिया में उसके बाद ब्रोंकस में उसके बाद ब्रोंकियोल में नाउ एयर हमारी जाती है उसके बाद रेस्परेटरी जोन में यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में एल्व्यूलर डक्ट में और एल्व्यूलाइट क्लास अब हम बात करते हैं लंग्स की क्या आपको पता है हमारी बॉडी में लंग्स की लोकेशन या लंग्स कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं थोरासिस चैम्बर में अब ये थोरासिस चैम्बर होता क्या है हमारी बॉडी डायफ्राम की पोजीशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स या चेंबर में डिवाइडेड है पहला है डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट थोरासिस कहलाता है जबकि डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम डायफ्राम कहते हैं डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे थोरासिस कैविटी और डायफ्राम से नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी क्लास आपको पता है हमारे दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स का साइज एक जैसा नहीं होता तो आपके हिसाब से इसका रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन है हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है क्योंकि वो स्पेस शेयर करता है हार्ट के साथ क्लास अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे कॉन्सेप्ट टेस्ट का रूल ये है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको जो लगता है सही ऑप्शन वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सो रेडी फॉर अ चैलेंज क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रेस्पिरेटरी ऑर्गन ए फिशेस गिल्स बी सी ह्यूमन लंग्स डी अर्थ फॉर्म मॉइस स्किन यहां पे हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को रीड आउट कर सकें नाउ आंसर इज बी यानी इंसेक्ट्स रिस्पायर करते हैं अपने ट्रेकिअल ट्यूब से जो मदद करते हैं उनको गेस एक्सचेंज में तो हमारा ऑप्शन भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्लास हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री ए ह्यूमिडिफाइज द एयर बी वार्म अप द एयर सी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड डी क्लींस द एयर यहां पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सकें नाउ आंसर इज डी अवर रेस्परेटरी सिस्टम इज नॉट मेन टू क्लीन अप द एयर दैट इज इट विल नॉट प्यूरिफाइ एयर रादर देन इट टेक्स इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें एयर तो एंट्री करती है लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है उसको वार्म करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर को क्लीन नहीं करता है